वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ वंडरलैंड पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर दिसन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ओके ओके इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट हैंट इज पैरिमीटर सो द बाउंड्रीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज पैरिटर पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज को ऐड करना पेरीमीटर कहलाता है ओके okay? जैसे कि हम सबसे पहले रेक्टेंगल शेप के बारे में पढ़ेंगे ओके okay? तो देखिए इसमें थर्टी सेंटीमीटर और फिफ्टी सेंटीमीटर हमें बाउंड्रीज के मेजरमेंट दे रखे ओके okay? तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स इन्होंने हमें टू साइड्स के ही मेजरमेंट दे रखे हैं बाकी के टू साइड्स के मेजरमेंट नहीं दे रखे हैं तो स्टूडेंट्स ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑल अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल ओके जो भी अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है तो देखिए ये थर्टी सेंटीमीटर है तो इसका जो अपोजिट साइड है वो भी थर्टी सेंटीमीटर रहेगा ओके और फिफ्टी सेंटीमीटर है इसका अपोजिट साइड फिफ्टी सेंटीमीटर रहेगा ओके स्टूडेंट्स ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी रेक्टेंगल की ओके अब हमें क्या करना है इस शेप का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे इन सारी साइड्स को हम प्लस कर लेंगे थर्टी को फिफ्टी प्लस कर लेंगे ओके थर्टी प्लस फिफ्टी फिर वापस थर्टी फिर वापस फिफ्टी इन सब साइड्स को हम प्लस कर लेंगे तो हमारा पैरिमीटर आ जाएगा ओके स्टूडेंट्स ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट था इसलिए हमने क्या करा फोर साइड्स को प्लस कर लिया पर हम जो अलग क्वेश्चन होते हैं उसमें हम प्लस करके फाइंड आउट नहीं करेंगे हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता, होता है वो क्या होता है टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ हम क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट की लेंथ तो ब्रेथ को प्लस कर लेंगे फिर जो आंसर आएगा उसमें टू मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर और ये आंसर इक्वल ही रहेगा सेम आएगा पर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ओके जैसे देखिए इसमें क्या दे रखा है फिफ्टी दे रखा है लेंथ हो गई फिफ्टी जो बड़ी साइड होती है जो बड़ा होता है उसे लेंथ बोला जाता है ओके और जो छोटा होता है उसे ब्रेथ बोला जाता है और ये हो गया थर्टी है ना और इधर क्या करना है टू मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे। 50 प्लस करेंगे फिफ्टी प्लस थर्टी कितने होते हैं एटी होते हैं तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर और उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है टू अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वन सिक्सटी सेंटीमीटर तो देखिए इन्होंने लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके भी वन सिक्सटी सेंटीमीटर निकाला है और हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी वन सिक्सटी सेंटीमीटर निकाला है ओके okay, स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला पड़ा हमने किसका पढ़ा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का ओके okay, अब नाउ कम टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर अब हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है ओके okay, स्टूडेंट्स अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे टेन में प्लस कर लेंगे सारी साइड्स तो देखिए इन्होंने कर रखा है टेन सेंटीमीटर प्लस टेन सेंटीमीटर प्लस टेन सेंटीमीटर एंड प्लस टेन सेंटीमीटर इसको फोर टाइम्स प्लस कर लिया तो उनका आंसर आ गया फोर्टी सेंटीमीटर पर अब हम ये क्वेश्चन भी एक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे ओके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है फोर मल्टीप्लाई बाई साइड ऑल साइड आर इक्वल तो हम क्या करेंगे फोर को मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साइड की मेजरमेंट लेके कितनी मेजरमेंट है टेन सेंटीमीटर अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा फोर्टी सेंटीमीटर तो देखिए आंसर इक्वल है

तो हम लेंथ के नीचे लिख लेंगे फोर्टी सेंटीमीटर फिर ब्रेथ कितनी है फिफ्टीन सेंटीमीटर तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर दें अब इन दोनों को प्लस कीजिए तो फोर्टी में अगर फिफ्टीन प्लस करते हैं तो आता है फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर टू एज इट इज नीचे आ जाएगा और आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वन हंड्रेड एंड टेन सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा सबसे पहले हम प्लस करेंगे लेंथ में ब्रेथ को प्लस करेंगे फिर उसके आंसर से ही टू को मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप टू को फोर्टी से मल्टीप्लाई कर ले फिर आंसर में फिफ्टीन प्लस कर ले नहीं होगा ऐसा सबसे पहले हम इन्हें ऐड करेंगे ओके ऐसा क्यों क्योंकि बोर्ड मार्क्स का रूल यूज किया जा रहा है ओके बोर्ड मार्क्स एक वो होता है प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले बोर्ड मार्स का बी जो होता है वो होता है ब्रैकेट सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है हमने ब्रैकेट सॉल्व करने के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे सबसे पहले ऐड करेंगे फिर उसमें मल्टीप्लाई टू करेंगे okay, students, इसी में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा दिख रहा है हमें स्क्वायर दिख रहा है तो हमने स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है फोर मल्टीप्लाई बाय साइड ओके साइड कितनी है ट्वेल्व सेंटीमीटर है ओके okay, तो हम क्या करेंगे फोर को ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्टी एट सेंटीमीटर ओके okay, स्टूडेंट्स हम दोनों फार्मूले यहाँ लिख रखे हैं पेरीमीटर ऑफ अटेंगल टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ पैरिमीटर ऑफ ए स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई बाय साइड ओके okay? हम इसका यूज करके सारे ऑब्जेक्ट्स की मेजरमेंट निकालेंगे ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल यूजिंग द फॉर्मूला हमें फॉर्मूला का यूज करके पैरिमीटर निकालना है किस कौन से शेप का रेक्टेंगल का ओके okay? उन्होंने हमें शेप दे दिया क्वेश्चन में कौन सा शेप है रेक्टेंगल है तो देखिए ए क्या है क्वेश्चन नंबर ए लेंथ दे रखी फोर सेंटीमीटर ब्रेथ दे रखी सेंटीमीटर ओके हम क्वेश्चन लिखें, लिखेंगे सोल्यूशन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगलिटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है फॉर्मूला होता है टू लेंथ प्लस ब्रेथ ओके हमें ये पता है अब हम लिखेंगे लेंथ क्या होता है फोर सेंटीमीटर तो हम लेंथ की प्लेस पे लिख देंगे फोर सेंटीमीटर ब्रेथ क्या होता है नाइन सेंटीमीटर है तो ब्रेथ की प्लेस पे लिख देंगे नाइन सेंटीमीटर ओके अब हमें क्या करना होता है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है तो हम क्या करेंगे, करेंगे. तो लेंथ में ब्रेथ को प्लस किया तो आंसर आया थर्टीन सेंटीमीटर फोर प्लस नाइन किया तो थर्टीन सेंटीमीटर ओके अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टीन में टू को मल्टीप्लाई करा तो आंसर इज ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट्स ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट्स इसमें डेसिमल आ रहा है ये ध्यान रखिएगा आप ओके पैरमीटर ऑफ द रेक्टेंगल रेक्टेंगल का पैरमीटर फाइंड आउट करना है सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे टू लेंथ okay? कितनी है फाइव तो हम लेंथ की प्लेस पे लिख देंगे 5.5 ब्रेथ कितनी है 2.5 पॉइंट ब्रेथ की प्लेस पे लिख देंगे 2.5 अब स्टूडेंट्स इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए इधर ऐड कर रखा है मैंने साइड में 5.5 पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव ये ध्यान रखिएगा कर, कर सकते है। ये अरेंज करने का वे गलत होता है ओके स्टूडेंट्स हमें इसे अरेंज कैसे करना होता है डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लगाना होता है हम इसे ऐड करेंगे तो देखिए फाइव प्लस फाइव टेन होता है जीरो वन कैरी चला गया वन प्लस फाइव सिक्स सिक्स में टू प्लस करा एट तो एट हमारा आंसर आ गया ओके okay, अब देखिए डेसिमल के बाद क्या आंसर है जीरो है तो मैंने ओनली एट लिया है क्यों क्योंकि एट की वैल्यू नहीं होती है इसलिए हम ओनली एट भी ले सकते हैं ओके okay? तो टू में एट का मल्टीप्लाई करा तो सिक्सटीन सेंटीमीटर ओके एक और क्वेश्चन देखिए लेंथ कितनी है ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है सिक्स पॉइंट एट सेंटीमीटर तो हमने पहले फॉर्मूला रखा टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ टू मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ब्रेथ कितनी है सिक्स पॉइंट एट सेंटीमीटर ये हमने लिख दिया अब स्टूडेंट्स इसे अरेंज करना देखिए सबसे पहले हम कैसे अरेंज करेंगे ट्वेल्व पॉइंट फाइव प्लस सिक्स पॉइंट एट देखिए दोनों डेसिमल एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं ओके मैंने इसे अरेंज नहीं करा है ऐसे अरेंज नहीं करा है हमें ये रॉन्ग वे हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल आना जरूरी है तो देखिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नंबर है सिक्स तो वो टू के नीचे आ जाएगा डेसिमल के राइट हैंड साइड पे क्या नंबर है एट तो वो फाइव के नीचे आ जाएगा इस तरीके से हम डेसिमल वाले नंबर अरेंज करते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स अब हमने क्या करा दोनों नंबर को एड किया तो हमारा आंसर है नाइनटीन ओके ये हमारा आंसर आ गया नाइनटीन पॉइंट थ्री ओके अब हम क्या करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट टू से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए टू थ्री आर सिक्स लिखा टू नाइन आर एटीन एट वन कैरी हो गया टू और प्लस वन करा तो थ्री हो गया ये तो हमने मल्टीप्लाई करा अब ये जो डेसिमल है ये कैसे लगाएंगे तो देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर नंबर है है तो हम इसमें जो हमारा आंसर उसमें पीछे से काउंट करेंगे वन छोड़ के decimal put up कर देंगे ओके स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद टोटल जितने नंबर होते हैं वो हमारे आंसर में हम पीछे से काउंट करते हैं और वो नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं हमारा आंसर आ गया थर्टी एट पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द पेरीमी स्क्वायर साइड्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ देखिए हमें साइड्स दे रखिए हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पैरिमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है फोर मल्टीप्लाई बाय साइड हम क्या करेंगे फोर और हमारी साइड कितनी फोर तो हम फोर को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज सिक्सटीन सेंटीमीटर ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे साइड दे रखिये टेन सेंटीमीटर साइड की प्लेस पे लिख देंगे टेन फॉर्मूला का फोर आया फोर मल्टीप्लाई टेन करा तो आंसर इज फोर्टी सेंटीमीटर ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड square ऑफ the स्क्वायर perimeter. हमें क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें साइड दे रखी थी और हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना था पर ये क्या दे रखा है उन्होंने पेरीमीटर दे रखा है और हमसे क्या पूछा है फाइंड length ऑफ sides ऑफ स्क्वायर स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला क्या होता है साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय फोर ओके हम क्या करेंगे साइड का लिखेंगे साइड पैरीमीटर कितना है थर्टी टू थर्टी टू को फोर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज एट सेंटीमीटर ऐसे एक और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सी 108 सेंटीमीटर साइड ऑफ ए स्क्वायर ओके इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय फोर पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 108 हंड्रेड हम 108 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय फोर करेंगे आप इस तरीके से डिवाइड करके देखेंगे 108 डिवाइडेड बाय फोर ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव रेक्टेंगल गार्डन ऑफ अ लेंथ एक रेक्टेंगल गार्डन है ओके रेक्टेंगल शेप में जिसकी लेंथ दे है फिफ्टीन पॉइंट फाइव मीटर ओके एंड ब्रेथ ब्रेथ कितनी दे रखी है थर्टीन पॉइंट टू फाइव मीटर स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा जो डेसिमल होते हैं उसके बाद जो नंबर हम रीड करते हैं वो कभी भी साथ में रीड नहीं करते हैं। वो नंबर हमेशा सेपरेटली रीड किया जाता है जैसे थर्टीन पॉइंट टू फाइव पढ़ेंगे थर्टीन पॉइंट ट्वेंटी फाइव नहीं पढ़ेंगे ओके थर्टीन पॉइंट टू फाइव पढ़ते हैं ओके ओके एंड ब्रेथ इज थर्टीन पॉइंट टू फाइव मीटर देखिए हमें एक गार्डन दे रखा है जो कौन सी शेप में रेक्टेंगल शेप में तो देखिए हम एक गार्डन बना लेते हैं रफली ओके okay, इसका शेप क्या है लेफ्टीन पॉइंट फाइव एंड ब्रेथ है थर्टीन पॉइंट टू फाइव ओके हमें क्या करना है इस गार्डन के सारी साइड पर फेंस लगानी फेंस मतलब बाउंड्री बनानी है ओके okay? वर द लेंथ ऑफ फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड तो हमें ये बताना है कि वो जो फेंसिंग है वो हमें कितनी चाहिए ओके okay? फेंसिंग से हम समझे कि हमें क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है क्योंकि फेंसिंग हमेशा बाउंड्रीज पे लगाई जाती है हम वो बीच में नहीं लगाई जाती है ओके okay? वो बीच में नहीं लगाई जाती है वो बाउंड्रीज पे लगाई जाती है तो बाउंड्रीज मतलब क्या होता है पेरीमीटर होता है तो हमें इससे समझ में आ गया कि हमें क्या बोला है क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालने को बोला है ओके okay? तो देखिए लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन रेक्टेंगल गार्डन की कि लेंथ कितनी है फिफ्टीन ब्रेथ कितनी है थर्टीन ओके okay. पैरिमीटर जो कि फैंसी के फेस में दे रखी है हमें इसमें ओके पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन क्या है टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ लेंथ प्लस ब्रेथ है ओके okay. लेंथ कितनी है फिफ्टीन पॉइंट फाइव लेंथ की प्लेस पे लिखेंगे ब्रेथ की थर्टीन पॉइंट टू फाइव ब्रेथ की प्लेस पे लिख दिया थर्टीन पॉइंट टू फाइव टू इज है ओके okay. अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने ऐड कर रखा है मैंने आपको अभी बताया था कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना कंपलसरी है तो देखिए मैंने फिफ्टीन पॉइंट फाइव लिखा 15.5 के नीचे डेसिमल लगाया उसके लेफ्ट हैंड साइड पर 13 नंबर था 13 लिख दिया और राइट हैंड साइड पर इधर कुछ भी नहीं था तो मैंने इधर क्या कर एक जीरो लगा दिया ओके स्टूडेंट्स अब इसे मैंने प्लस करा तो आंसर आ गया ओके अब इसे आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा फिफ्टी ओके स्टूडेंट्स इसे देखिए मल्टीप्लाई करना देखिए 28.75 एट मल्टीप्लाई बाय टू पहले आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे देखिए टू फाइव आर टेन जीरो वन कैरी टू सेवन आ फोर्टीन प्लस वन किया तो फिफ्टीन फिफ्टीन में वन कैरी फाइव नीचे टू एट्स आ सिक्सटीन प्लस वन करा तो सेवनटीन वन कैरी सेवन इधर टू टू आ फोर प्लस वन करा तो फाइव ये हमारा आंसर आया अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है टू नंबर है तो हमारे आंसर में हम पीछे से टू काउंट करेंगे और डेसीमल लगाएंगे ओके okay, स्टूडेंट तो आगे फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव अब देखिए यहां पे फाइव जीरो था और मैंने फाइव लिखा है ऐसा क्यों क्योंकि डेसिमल के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए मैंने फिफ्टी सेवन पॉइंट फाइव मीटर लिखा है ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स नालिम बॉन्ट्स टू पेस्ट और रिबन अराउंड द स्क्वायर पेंटिंग एक नालिम नाम की गर्ल है जिसे क्या करना है स्क्वायर पेंटिंग के साइड में ओके okay? अराउंड लिखा हुआ है ओके okay? इससे हमें समझ में आ गया साइड में उन्हें क्या करना है एक रिबन पेस्ट करना है रिबिन लगाना है इसके साइड में ओके okay? जिसकी उन्होंने साइड दे रखी कितनी फोर्टी फाइव ओके वॉट लेंथ ऑफ रिबिन विल बी रिक्वायर्ड तो हमें ये बताना टोटल हमें कितनी लेंथ का रिबिन चाहिए तो देखिए साइड ऑफ अ स्क्वायर पेंटिंग स्क्वायर पेंटिंग की साइड कितनी साइडी फाइव सेंटीमीटर पेरीमीटर फॉर स्क्वायर पेंटिंग तो हमें क्या है बाउंड्रीज में पेस्ट करना है तो इससे हमें समझ में आ गया हमें क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है फोर मल्टीप्लाई बाय साइड अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए साइड कितनी है फोर्टी फाइव फोर एज इट इज आ गया इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो वन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रिबन विल बी रिक्वायर्ड इज वन एट्टी सेंटीमीटर ओके स्टूडेंट्स थैंक यू